अपने पीक पे है और उसी के साथ जो है इंसानियत और इंसानियत की जो दरिंदगी है वो अपने सबसे नीचे चरम पर है, इसलिए हम आज मजबूर हैं यहाँ पर सड़क पर उतरने के लिए। जो यूपी सरकार ने जो उसकी आग वो बाद में अर्थी जलाई, एक तरह से कहीं ना कहीं वो एक तरह से छुपाने वाली बात थी कि हम इसको जला दें और इसको बंद करें। Condemnable, and people are not going to look or remain silent. That is what now Jandar Mandir is showing to them, answering them. So it is very clear, and from the very beginning, what we are witnessing from since 2014, the minorities are attacked, being and the Dalit community being attacked. So everywhere this is happening. And the violence against women, particularly the Dalit women, the sexual violence against Dalit women, it is going unchecked. It is the government's own record. The National Crime Record Bureau itself says that the crime against women has increased in Yogi's UP. Interestingly, when the election campaign in UP, what they were saying for the safety and protection of women and cows. Now what we are seeing, either the women or the cows are safe in the hands of under the Yogi rule. So what we are saying that Yogi has become ayogya ho gaya. He has become his all his moral and constitutional rights, he has lost everything. So he should resign so that the women and cows will be saved in that state. That is what we are saying. Beti bachao beti padhao ka nara dete rehte the, kya ho raha hai ab? लगता है वो ना, ये आपका स्टेटमेंट नहीं था, वो वार्निंग था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, कि बेटी आपकी निकलेगी तो आपको उनको बचाना पड़ेगा, आपको उनके मैं यहाँ पर मेरी फैमिली नहीं रहती, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, कल कोई मेरे साथ हो जाएगा। योगी सरकार क्या बोलते कि लड़कियों अपने आप को सुरक्षा नहीं कर सकती, अपने आप से सुरक्षित नहीं रह सकती, उन्हें कोई ना कोई चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर से उनके भाई या उनके बाप चाहिए। मैं तो यहाँ पर अकेले रहती हूँ, मेरा सुरक्षा कौन करेगा, मुझे खुद से लड़ना होगा ना अपने लिए। और आज मैं अपने लिए लड़ाई करने आ रही हूँ तो हमें डिटेन कर लिया जाता है, हमारा मुँह बंद करा दिया जाता है। 2012 निर्भया का केस, अभी पिछले साल हैदराबाद रेप केस, हम देख रहे हैं कि दलित महिलाओं पर जो शोषण की वारदातें हैं वो साल दर साल उनकी दरें बढ़ रही हैं। इस साल महिलाओं पर क्राइम की जो घटना है 7.3% बढ़ती है, और इस जितनी वारदातें हैं 3,80,000 के करीब इस साल, उसमें से 3,60,000 करीब वारदातें केवल उत्तर प्रदेश से होती हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मुझे इस बात पर शर्म आती है कि मेरे किसी भी प्रदेश में योगी सरकार जैसी एक सरकार हो सकती है जो ना सिर्फ ब्राह्मणवादी है, ना सिर्फ मनुवादी है, पर ये इंसान विरोधी सरकार है। इस सरकार ने महिलाओं का जीना मुश्किल कर दिया है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल जीना किया है इन्होंने दलित महिलाओं का। जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में पीड़िता को जो परेशान किया गया, उसके परिवार को जिस तरीके से हैरेस किया गया है, इन्होंने बलात्कार का और महिलाओं के शोषण का मजाक बना कर रख दिया है। पैंडेमिक तो चलता रहेगा, लेकिन जिस ब्रूटल और हीनियस तरीके से वहाँ पर रेप हुआ, उसके बाद वो सारे सबूत मिटा दिए गए, बॉडी को रातों रात जला दिया गया, उनके जो विक्टिम थी उनके घर के पास बैरिकेडिंग रख कर, और उसके बाद बोलते कि रेप हुआ ही नहीं था, ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक रेप केस है तो इतना टाइम नहीं लगता है उसको फाइल होने में, इसमें 8 दिन लगे हैं, तो ये 24 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए था। सेकेंडली, जो बॉडी को जला दिया गया है, फैमिली को नहीं दिया गया है, वो पुलिस की तरफ से एकदम गलत काम है, अगेंस्ट द लॉ है। थर्डली, जो बॉडी के साथ जो कुछ भी क्राइम्स हुए हैं, जो जितना भी
नुकसान किया है बॉडी को, उस सब को मिटा दिया गया है, एविडेंस मिटा दिया गया है, विच इज एन एब्सोल्यूट क्राइम डन बाय पुलिस एंड द गवर्नमेंट। हम सबको याद है उन्नाव में क्या हुआ, कैसे पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, और अब ना उनका परिवार जिंदा है ना विक्टिम जिंदा है, लेकिन जो अक्यूज्ड है वो जिंदा है, भले ही उनको नाम का निष्कासन मिल गया हो। हम सबको याद है कि आसिफा के केस में क्या हुआ था, बीजेपी ने रैली निकाली थी, उस सबका गुस्सा है इनको, इस सरकार को शायद लगता होगा, योगी सरकार को या बीजेपी सरकार को, कि हम सब लोग ये भूल गए हैं, पर हम कुछ नहीं भूले। हमें आसिफा याद है, हमें उन्नाव याद है, हमें वो तमाम औरतें याद है, हमें दलितों पर हुई हिंसा याद है, क्योंकि जो हम जेंडर वायलेंस की बात कर रहे हैं वो कितने सालों से यही है, जो सबसे बेसिक बुनियाद होती है जेंडर वायलेंस की वो है रेप। और यहाँ पे सिर्फ जेंडर वायलेंस की बात नहीं है, कास्ट वायलेंस की है, क्योंकि एक कास्ट को अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए उनकी औरतों को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी औरतों को कुछ करेंगे तो पूरे कम्युनिटी को वो होगा, तो ये सब दिखाने के लिए औरतों ही बीच में फंसती है। और आप बोल रहे हैं कि पैंडमिक के बीच में हम यहाँ पे आए क्योंकि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि ये सारे रेप्स और जो भी हमें सुनने को मिल रहा है कि बॉडी जलाया जा रहा है, पुलिस बात नहीं सुन रही है। ये पैंडमिक के बीच में ही तो पुलिस के पास भी हम गए थे, ये पैंडमिक के बीच में ही इतने सारे रेप्स हुए हैं, और पैंडमिक के बीच में ही घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस जो है इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो ये सब भी तो पैंडमिक के अंदर ही हो रहा है। तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि पैंडमिक के बावजूद हम अपने अधिकार के लिए लड़े कि सोसाइटी में जो है कुछ बदलाव लाए। इसको सिर्फ इसी नज़रों से देखा जा सकता है कि मुझे अपने एक हिंदुस्तानी होने में शर्म आ रही है। एक यूपी से जहाँ से मैं आया हूँ दिल्ली में, एक यूपी से पैदा होने वाले शख्स की हैसियत से शर्म आ रही है। इस बात की शर्म आ रही है कि वहाँ एक ऐसी सरकार मौजूद है जो लगातार ख़ास तौर से बलात्कार के जो केसेस हैं, रेप के जो केसेस हैं, उनमें पूरी तरह से उलझी हुई दिखाई दे रही है। वो ऐसा लगता है कि रेपिस्ट की सरकार आ गई हो, क्योंकि पहले हमने देखा कि सरकार के करीब लोगों को जिन पर इल्ज़ाम था उनको पहले गिरफ्तार नहीं किया गया, फिर उसके बाद एक के बाद एक जो पीड़ित थे उनका कत्ल किया गया खुलेआम सबकी नज़रों के सामने, और ये सरकार अपनी जगह बनी रही। फिर अभी हमको ये दिखाई दे रहा है कि एक के बाद एक बलात्कार होने पर, ये बलात्कार जितना बारबेरिक था, जितना अमानवीय था, उसमें मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मुझे यूपी से होने की शर्म आ रही है। इस पूरे के पूरे बहस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि आप लोग उत्तर प्रदेश के बलात्कार पे बोलते हैं, राजस्थान के बलात्कार पे नहीं बोलते। मैं कहता हूँ, अरे साहब, देश और दुनिया के किसी कोने में किसी महिला के साथ अगर गलत होगा तो हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, उसका विरोध करेंगे। जहां तक सवाल है बलात्कार के नाम पर राजनीति करने की, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने राजनीति की है, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम न्याय मांगने के लिए आए हैं और हम न्याय सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा आप तमाम लोगों से आग्रह है कि जिस तरीके से हाथरस के मामले में पूरे की पूरी चीजों को दबाने की कोशिश की गई, गुमराह करने की कोशिश की गई, समय पे FIR नहीं दर्ज किया, ये सवाल हम तमाम लोगों को पूछना चाहेंगे कि समय पे FIR क्यों नहीं दर्ज किया, सही धाराओं में FIR क्यों नहीं दर्ज किया गया। जब परिवार कह रहा था कि हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे शक है, तो आनन फानन में लाश को क्यों जला दिया, रात के अंधेरे में लाश को क्यों जला।